मेरी बात, आप ध्यान से तो फिर इसका मतलब भी सारे अस्पताल को ताला लगा देना चाहिए, ताला लगा दे सारे अस्पताल को। आपने दरअसल सत्ता को बुला लिया, पाखंडी को बुलाया नहीं है किसी को। अभी 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 पता चल रहा है जो हम लोग दिखा रहे हैं, इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारी जनता बेवकूफ है ना, जिसको मानसिक प्रॉब्लम है, जिनकी शिक्षा है, जिनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम, जो पैसा नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और सरकार इन लोगों के साथ कुछ कर नहीं रही है। कोई लीगली तुम्हारा इंडिया में कहीं पे लीगल लॉ में है क्या आप इसका इलाज कर सकते हो? डॉक्टर साहब बेवकूफी है हमारी सरकार की, जो इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। डॉक्टर भूषण, अरे भूषण डॉक्टर भूषण आपसे सीनियर, उनकी कमर में दर्द 800 करोड़ की आबादी है, उन्होंने 200 करोड़ लोग बीमार रहते हैं। मैं डॉक्टरों का सारा तुम्हारे जैसे बाबा है, तुम्हारे जैसे लोग भैया जी चलो मेरे ब्राह्मण मेरे स्थान चलो भाई बिठाऊंगा तुम्हें, चलो अभी चले अस्पताल में ही चले अस्पताल में। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा हवन कुंड बनाऊंगा इनके, जितने दर्द के पेशेंट है वही साथ में हवन करूंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। सारे अस्पताल में हर हफ्ते रोज बिठाऊंगा इनको, ऐसे करो और रिवीजन करो, पूरी दुनिया के सारे लोग थेरेपी हो गई हो, पीछे निकाल दो, चलो निकाल दो इतने जाति पाति कहाँ से आ गए, जाति पाति कहाँ से आ गए, ब्राह्मण ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से ये कहाँ से आ गए। और अगर मैं इससे चिकित्सा कर रहा हूँ तो क्या यज्ञ कहाँ से चिकित्सा के माध्यम हो गया, यज्ञ अब किसने बताया यज्ञ चिकित्सा का माध्यम? दरबार में आपके क्यों डॉक्टर गुप्ता ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, आप ये बताइए ये जहाँ जितने ये पेशेंट है ना, मैं इन्हीं पेशेंट का इलाज कर दूंगा, ये सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा इनको क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपकी नजर? मेरी नजर में इनको केवल कुपित वायु घिरी हुई है शरीर में, कुपित वायु ये क्या मैंने बताया, कुपित वायु एक बात बताओ जो विषय नहीं पता कैसे जाने का, कुपित वायु मुस्कुरा रहे हैं, कुपित वायु मतलब ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है? पंडित जी कहाँ विषय पढ़ाए जाते हैं? मैं कोई भी रोग ठीक नहीं करता, मेरा कोई चमत्कार का दावा ये सब आप पॉलिस पढ़ना जरूरी नहीं है। और कहाँ पढ़ना है, सुनिए मेरी बात, कौन है राम शिव किंकर जी को कॉलेज नहीं गए वो, और दर्शन शास्त्र की ऐसी अद्भुत नॉलेज भाई, राम शिव की बात कर रहे हैं ठीक करो, मुझे एक बात बीमारी क्या है, नहीं मुझे एक बात बीमारी क्या है, देखो तो मैंने आपको इसलिए रखा हुआ है क्या,
कि आप दूसरे को सुने नहीं और बहस करते रहो। आज नहीं, गलत चीज गलत कर रहे हो। हम तैयार है सुनने को। हमारे फैसिलिटी में, एलोपैथी में 30 सुपर स्पेशलिटी है, 30। ये सबका अकेले इलाज कर रहे हैं। मतलब ना तो सेकेंडरी चाहिए, ना ऑटोमेटिक सर्जन चाहिए, ना पीडियाट्रिशियन चाहिए, ना गायनी चाहिए, ना फिजिशियन चाहिए, ना रिमेटोलॉजिस्ट चाहिए, आई वाला चाहिए, ना ईएनटी वाला चाहिए, कोई नहीं चाहिए। सब कुछ यही है। इस भारत वर्ष में यज्ञोपैथी हजारों वर्षों से चली आ रही है और श्री राम शर्मा आचार्य ने भी उसका वर्णन किया। आपके पास ऑलरेडी माइक है। आपने कहा ना यज्ञोपैथी इस भारत में, शुरुआत में क्या कहा? यज्ञोपैथी भारत में संसार भर से, अरे सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? हथौड़ा से भी इलाज करता हूँ, आजकल मैं मोबाइल से भी इलाज करता हूँ। ये पकड़िए मोबाइल, इलाज कीजिए, लगाइए मरीज को, लगाइए किसी ऐसे मरीज को, लगाइए अभी हॉस्पिटल में जिसको केवल शरीर में दर्द ही दर्द है, लगाइए आप, लगाइए आपका हॉस्पिटल है, लगाइए आप, लगाइए किसी ऐसे मरीज को जिसके शरीर में दर्द ही दर्द है और डॉक्टर को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए इसको, 10 साल हो गए। आईसीयू में फोन लगाओ। अरे आप पहले बैठ जाइए माता जी, आप पहले बैठ जाइए माता जी, आप पहले बैठ जाइए। ऑक्सीजन पे खड़ा होकर बैठ जाइए। तुरंत आराम नहीं होगा अभी, आप बैठ जाइए। दर्द वाले मरीज, दर्दी का बीमारी वाले, बीमारी वाले नहीं, सबको दर्द है। माइग्रेन का दर्द है, डिप्रेशन में भी बहुत सारे दर्द होते हैं, सर्वाइकल का दर्द है। इनके एल्बो में प्रॉब्लम है, जो शारीरिक रोग है सारी दुनिया सुन लीजिए।